نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ركوع نمبر 19 ايه نمبر 153 تو 163 بسم الله الرحمن الرحيم سوره البقره ايه سوره نمبر 2 ركوع ايه نمبر 153 يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ये सेम आयत हम बनी इसराइल के ताल्लुक से पढ़ाए हैं थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बात उनको कही थी वही बात हमें भी कही है अब पहले हम तर्जुमा करते हैं फिर हम आपको डिफरेंस बताते या अय्युहा या अय्युहा या अय्यतुहा तीनों का तर्जुमा होगा ए या अय्युहा ए अल्लज़ीना वो लोग जो वावलिफ तुम सब अमना ईमान लाए वो सब जो ईमान लाए नॉट तुम सब या अय्युहा ए अल्लज़ीना वो लोग जो वावलिफ वो सब अमना ईमान लाए हो हमजा मीम नून उसके रूट लेटर हैं ए लोगो जो ईमान लाए हो ए ईमान वालो इस्तईनू वावलिफ तुम सब अल्लाह हुक्म दे रहे हैं वावलिफ तुम सब आइन या नून रूट लेटर हैं इसके आइन वाव नून आउन यानी मदद वाव की जगह या ने ले ली आइन या नून आइन आइन या नून यानी मदद और सीन का मतलब मांगना चाहना वावलिफ तुम सब आइन या नून मदद सीन ता मांगो उल्टा पढ़ रहे हैं हम ठीक है वावलिफ पहले पढ़ा आइन या नून फिर सीन ता शुरू में आ रहा है ए लोगो जो ईमान लाए हो वावलिफ तुम सब आइन या नून मदद सीन ता मांगो या चाहो तलब करो बिस सबरी बी से असब्र सब्र से बी हरफे जर है इसीलिए सब्र को पहले पढ़ेंगे और बी को बाद में पढ़ेंगे और ये बी कॉमन है सब्र और सलात दोनों के लिए सब्र के सब्र से व और असला नमाज स्वाद लाम वाओ इसके रूट लेटर हैं सब्र और नमाज से क्या करो मदद मांगो मदद तलब करो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ लोगो जो ईमान लाए हो तुम सब मदद तलब करो सब्र और नमाज से इन्नल्लाहा इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह मा का मतलब होता है विद साथ अस्साबिरीन साबिर फाइल पैटर्न पर है साबिर सब्र करने वाला ईना लग गया प्लूरल हो गया सब्र करने वालों के साथ है ए लोगो या अय्युहा ए अल्लज़ीना वो लोग जो वावलिफ वो सब अमना ईमान लाए हो वावलिफ तुम सब आइन या नून मदद सीनता मांगो बिसब्री सब्र से व और अस्सलात नमाज से इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह मा साथ है अस्साबिरीना सब्र करने वालों के ए लोगो जो ईमान लाए हो मदद तलब करो सब्र और नमाज से बेशक अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल को क्या फरमाया था कि तुम सब्र और नमाज से मदद तलब करो इन्ना अल्लाह लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन ये तो बेशक बहुत भारी बात है कौन सी सब्र और नमाज पढ़ना ये बहुत भारी बात है किन लोगों के लिए खाशीन के अलावा जो लोग हैं उन पर जो अल्लाह से डरते हैं इल्ला अल खाशीन सिवाय खाशीन के सबके ऊपर ये भारी बात है अब अगर हम नमाज पढ़ने में हमें भारी लग रही है सब्र करना हमें भारी लग रहा है तो समझ ले हम खाशीन की कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ये सब्र और नमाज सिर्फ किन लोगों पर आसान है जो अल्लाह से डरते हैं जो अल्लाह का खुशू रखते हैं जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए सब्र करना भी आसान है और नमाज पढ़ना भी आसान है जो जिस किस्म का भी मसला हो जिस किस्म के भी क्या हो जाए आपके सामने सिचुएशन हो खुशी की हो गम की हो आपको मदद किसके जरिए से तलब करना है नमाज और सब्र के जरिए से सबसे पहला काम तो जब कोई कैलामिटी आती है जब कोई परेशानी आती है सबसे पहला काम है सब्र करना और फिर अल्लाह की तरफ रुजू करना यानी सबसे पहला दरवाजा जो आप अपनी मुश्किल में खटखटाएं वो आपके रब का हो ना कि जब सब जगह से टुकरा दिए जाए तो कहें अब तो मैं दुआ ही करूँ मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं है अब क्या करूंगी दुआ ही करूंगी तो दुआ तो बिलाखिर करना ही है आपको ऐसे ना वैसे दुआ तो करना है तो क्यों ना सबसे पहले हम दुआ करें सबसे बाद में करने की बजाय बाद में अल्लाह जो जरिए बनाए आपकी दुआ के बाद बना देंगे लेकिन हम क्या करते हैं पहले सारे दरवाजे नॉक कर देते हैं और फिर जब कोई सब लोग क्या कर देते हैं धुतकार देते हैं तब हम आते हैं अल्लाह की चौखट पर वो तो बिलाखिर इंतजार में रहता ही है कि कब आएगी मेरी बंदी कब आएगा मेरा बंदा लेकिन हम क्या करते हैं हम नाइंसाफी करते हैं अल्लाह ने फरमाया जब तुम पर कोई मुसीबत पड़े तो तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि सबसे पहला काम सब्र कर जाओ और नमाज की तरफ लपक पड़ो और हमारा मामला क्या होता है जहां मुसीबतें आती हैं वहीं सबसे पहले लोग नमाजें तोड़ना शुरू करते हैं वहीं सब्र से क्या होते हैं
जबानों से ऐसे कलिमात निकलना शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह के ऊपर इल्जाम, अल्लाह क्यों मुझे, मेरे ऊपर ही कयामत तोड़नी थी, मैं ही रह गई थी, मुझे ही सब कुछ करना था, मैं ही क्यों सब कुछ सहूं, ये भी तो है ना, इनको भी तो आजमाइश दे, मैं ही क्यों रह गई हूँ क्या तेरी बंदियों में जिसके ऊपर सारी आजमाइशें आए। ऐसा नहीं है, अल्लाह जिससे जिस कदर मोहब्बत करता है उससे उतना बड़ा टेस्ट लेता है। इसीलिए जितना लेवल हमें जो आजमाइश का लेवल नहीं है उससे ज्यादा हमसे जो पहले गुजर चुके हैं ना तबा ताबईन उनका था, उससे ऊपर ताबईन का लेवल था आजमाइश का, उससे ऊपर सहाबा कराम का था, और सबसे ज्यादा जिनको आजमाया अल्लाह ने वो अम्बिया अलैहिस्सलाम है। क्या अल्लाह से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता अम्बिया से? सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है ना, लेकिन सबसे ज्यादा उनको आजमाया गया। तो याद रखें जिसको जिस कदर मोहब्बत हो करेगा अल्लाह उसको उस कदर आजमाएगा। हम जानते हैं ना फतम्महुन्ना, तो क्या किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इब्राहिम को इज्तला, इब्राहिम बिकलिमातिन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ कलिमात से क्या किया इब्राहिम को आजमाया। कुछ थे वो कुछ भी जान निकाल देने वाली चीजें थी। कोई कोई कह कह दे आपसे कि जाए आप जाके अपनी औलाद के ऊपर छुरी चला दें, बहुत आसान बात है उनके लिए, बहुत आसान थी। बच्चा हंसता रहे थप्पड़ मार दो आप उसको, हाँ बड़ी महफिल में नहीं, कोई आपके बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे आप तो सारी दुनिया सर पे उठा लेंगे। जान तो नहीं गई थी ना उसकी, थप्पड़ ही मारा था ना किसी ने कुछ समझाने के लिए, लेकिन आपने क्या किया आपने पूरी दुनिया सर पर उठा ली, क्योंकि मेरे बच्चे को टच कैसे किया तुमने, राइट? ये मामला है ना हमारा मोहब्बत का, ये मामला है अपनी औलाद से। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि जिस बीवी से तुमको औलाद नसीब किया उसी बीवी को जाओ जाकर छोड़ के आओ उसी औलाद के समीप। कहाँ पर? ऐसी जगह पर जहां पर जान की कोई सेफ्टी नहीं है, जहां पर ये भी नहीं पता कि अगले अगले कुछ महीनों में वो जिंदा भी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ना उनके पास उसके कुछ दिनों बाद ना खाना होगा ना पानी होगा। अगर कोई जानवर नहीं भी आएगा तो उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होगा कि वो जिंदगी गुजार सके। इस अल्लाह की मोहब्बत के बिना पर वो कर कर आ गए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको सबसे ज्यादा आजमाते हैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत, और अल्लाह के आजमाइश के तरीके अलग अलग हैं, किसी को माल से आजमाते हैं, किसी को औलाद से आजमाते हैं, किसी को सेहत से आजमाते हैं, किसी को बीमारियां दे देते हैं, किसी के अंदर माल की कमी कर देते हैं, किसी को फाके दे देते हैं। अल्लाह देखना चाहते हैं कि मेरा बंदा कितना मुझसे मोहब्बत करता है, शिकवे तो नहीं करने शुरू कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु दम तोड़ रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे हैं, सहाबा करम पूछ रहे हैं या रसूलल्लाह आप भी रोते हैं, आपको भी आंसू आते हैं। कहा यकीनन मैं भी बशर हूं ना, मेरे अंदर भी वो एहसासात हैं, मेरे अंदर भी वो फीलिंग्स है, मुझे भी तकलीफ हुई है, लेकिन इस तकलीफ का इजहार मैं कोई ऐसी बात करके नहीं कहूंगा जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत के जात पर शिकवा हो। दिल रोता है, आंखें रो रही हैं, दिल गमगीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायलॉग्स हैं वहां पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आंखें नम हैं, आंखें अश्कबार हैं, आंखें रोती हैं, दिल गमगीन है, दिल भी गमगीन है, लेकिन जबान से वही कुछ निकलेगा जिससे रब राजी रहे। यानी जबान से मैं कोई ऐसी बात नहीं निकालूंगा कि मेरे रब को बुरी लग जाए। कितनी बड़ी बात है ना, यहाँ पर तो लोग किसी का कोई फौत हो जाता है या कोई बीमार हो जाता है तो कैसे कैसे नाजेबा कलिमात निकाल लेते हैं, अल्लाह तूने मेरी औलाद को लेना था और दुनिया में इतने पड़े हैं, ऐसे वो हो रहे ये हो रहे, तू हमारी औलाद है ना, और हमारे वालिदैन, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, और कितने तो लोग वजन हो जाते हैं नऊज़ुबिल्ला। हम खुद इतने लोगों को जानते हैं कि उनके घर में कोई फौत हो गया उसके बाद से उन्होंने नमाजें छोड़ दी। इतने लोग फौत हो गए हमारे तो उन्होंने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमारी दादी भी इतने कलमा पढ़ती थी, अल्लाह ने उनको बुला लिया, हम क्यों पढ़े नऊज़ुबिल्ला। यानी अल्लाह ने आजमाइश नहीं थी, वो सजा थी आपके लिए, समझ रहे हैं आप? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, आजमाइश क्या होती है? आजमाइश वो होती है कि जब आप किसी बात में आजमाए जाए तो आप अल्लाह के मजीद कुर्बत में आ जाए, अल्लाह को और ज्यादा याद करने लगे। आपको तो ये चाहिए था कि आपके घर का कोई फौत हो गया है तो उसके लिए मगफिरत का जरिया बन जाते हैं, आप उसके लिए दुआएं करना शुरू कर देते हैं, आपने और उनके लिए सामान मुश्किल बना दिया, आजमाइश बना दिया। तो अल्लाह ने फरमाया जब कोई कैलामिटी, जब कोई मुसीबत आए, सबसे पहला काम सब्र करो। और सब्र कब होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ कैलामिटी।
जब तुम्हें जर्ब लगे किसी मुश्किल का, उसी वक्त तुम्हें सब्र करना होता है। वो सब्र कितने मिनट का होता है? 5-10 मिनट का। समझ रहे हैं आप? आपको अगर किसी ने कुछ सुना दिया, आपको मुझे शुरू के 5-10 मिनट है ना वो सब्र करना है, सिर्फ 5-10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा, उसके बाद सब्र खुद आ जाता है। किसी का कितना भी जानशीन फौत हो गया हो, वो 4 दिन 5 दिन, या अल्लाह ने बीवी के लिए बताया कि 4 महीने 10 दिन, उसके बाद उसको सब्र आ जाता है, खुद खुद आ जाता है। लेकिन वो जो मुश्किल के लम्हात कौन से हैं? वो आधा एक घंटा। अभी आपको आपके वालिदैन कुछ कह रहे हैं, डांट रहे हैं, फौरन तड़ाक से जवाब देना, क्या था? यहीं पर सब्र करना था आपको। कितने मिनट का? 4-5 मिनट का सब्र था। और आप अल्लाह के फरमा बरदार बंदियों में लिख दी जाती, आप अपने वालिदैन के फरमा बरदार बंदियों में लिख दी जाती, लेकिन आपने क्या किया? जवाब दे दिया। हाँ बिल्कुल, हस्बैंड एंड वाइफ में तो ज्यादा होता है, क्योंकि शैतान वहां पर लगा हुआ है, पहले ना? बोले थे अगर मैं गुस्से में कुछ बोलूं तो खामोश रह जा। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सुभान व तआला बरकत अता फरमाए। बिल्कुल सहाबा, हजरत हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जब एक आग हो जाए तो दूसरा पानी हो जाया करे, दोनों को अगर गुस्सा आएगा दोनों आग बन जाएंगे तो मुश्किल आ जाएगी, तो जब एक आग हो तो दूसरा पानी बन जाया करे। ठीक है, चले ठीक है। तो क्या करना है हमने? सबसे पहला काम, सबसे पहला काम सब्र, और दूसरा काम अल्लाह की तरफ रुजू, नमाज के जरिए से अल्लाह को याद करें। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जस्ट ट्रेन योरसेल्फ, थोड़ी थोड़ी चीजों पर। देखिए सब्र कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं ना करना, देखिए आप कैसे शुरू कर सकते हैं, आप देखिए किन चीजों के जरिए से। हम आपको सब्र की ट्रेनिंग जो होती है ना, बेसिक जो ट्रेनिंग स्कॉलर्स कहते हैं, वो कैसे करना है। आप किसी चीज की तरफ दिल चाह रहा हो ना खाने का या करने का, आप उस पर सब्र करना शुरू करें, स्टार्ट करें थोड़ी थोड़ी चीज पर। ऐसा होता है ना कि मेरा दिल कर रहा है, मैं तो आज यही खाना है, मुझे आज तो आइसक्रीम खाना ही खाना है, आज ट्रेन करो, ट्रेन योरसेल्फ, इस तरीके से करें आप अपने आप को। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक तक था, एक वली थे अल्लाह के, और वो जो थे क्या होता था, उनका दिल जब कुछ ऐसा कुछ करता था ना, बहुत भारी भारी चीजें खाने को करता था या ऐसे कुछ करता, आज मुर्ग मुसल्लम खा लो, उनका दिल कह रहा है, कह रहा अच्छा मुर्ग खाएगा, आज तू मुर्गी खाएगा, मैं तुझे खिलाता हूँ मुर्गी। क्या करते थे? 2 दिन पुरानी सूखी बासी रोटी निकालते थे और उसको तोड़ते थे पानी में, बोलते ले खा मुर्गी, खा मुर्गी, चाहिए ना तुझे मुर्ग, चाहिए ले खा। वो इस तरीके से अपने नफ्स को ट्रेन करते थे कि मैं हर इसकी बात पर लब्बैक कहता रहूंगा तो ये आज तो छोटे छोटे खाने की तरफ लेकर जा रहा है, कल को फिर बड़े बड़े गुनाहों की तरफ भी लेकर जाएगा, मैं इसकी बात नहीं सुनने वाला। इस तरह से सहाबा अकराम और ये अपने आप को ट्रेन किया करते थे। तो छोटी चीजों से स्टार्ट करें, ठीक है, हर चीज में, हर चीज में। अभी से फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या था, अभी जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उनके लिए थोड़ा सा सब्र करना था, दैट वॉज द पॉइंट। हज क्या है? सारा सब्र है, उसमें आपको कोई बहुत लंबी छोड़ी इबादतें नहीं करनी है। क्या करना है आपको? पूरा हज जो है ना, हज मबरूर क्या है? सब्र वाला हज है। आप कोई एस्केलेटर पर खड़ा है, आप उसको जगह जाने दे दें, आप कोई वजू कर रहा है, आप उसको वजू के लिए जाने दे दें, वहां पूरा हज सब्र है। आप देखेंगे कुछ भी नहीं करना है आपको, हाँ बस वही है वहां पर हज, हज पूरा का पूरा सब्र है। लेकिन लोग कहते हैं कि रियाजुल जन्ना में आज मैं मर जाऊंगी या 2 नफिल पढ़कर जाऊंगी, मुझे तो आज यहाँ पर पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे मेरे ऊपर 4-5 औरतें और लद जाए, लेकिन मैं खड़ी हो जाऊंगी वहीं पर। यही मामला है ना, हम नहीं सबर कर पाते। बिल्कुल है ना, तो यही बात है, सब्र करना है हमें। अल्लाह सुबहान व तआला हमें इस चीज की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुबहान व तआला, देखिये हमने क्या कहा, हमारे अंदर तौफीक नहीं है, अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाहुम्मा आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादत, जब तेरे हुस्न बंदे बन जाएंगे, हसीन बंदे बन जाएंगे, तो यकीनन फिर सब्र भी आ जाएगा, राइट। चलो इंशाल्लाह, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही सब्र है ना, बिल्कुल। चले ठीक है, कौन रिपीट करेगा? हाँ
चले एक मरतबा हम बोले फिर आप करिए। ए लोगो जो ईमान लाए हो तुम सब मदद तलब करो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। रिपीट कर लीजिए आयत नंबर 154। गौहर मतलब पता है आपको क्या होता है? नहीं, गौहर मतलब द पर्ल, गौहर यानी मोती, मोती गौहर यानी मोती। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरा कमांड दे रहे हैं। पहला कमांड क्या था कि जब भी कोई मुसीबत आए सब्र और नमाज। अब दूसरा वा और ला नहीं तकुलू ता यतान का ताक है ता तुम वावली सब ता तुम वावली सब कुलू कहो वा और ला नहीं ता तुम वावली सब कुलू कहो ली मन युक्तलू ली लिए मन जो उसके लिए जो और नहीं तुम सब कहो उसके लिए जो युक्तलू या यतान का या है या वो कफ ता लाम इसके रूट लेटर है कतल वो कतल और पेश और जबर आ रहा है पैसे आ रहा है मुजारे का पैसे वो कतल किया गया ली लिए मन जो या वो कतला कतल और पेश और जबर कतल किया गया और नहीं तुम सब कहो उसके लिए जो वो कतल कर दिया गया फी में हरफे जर है फी में सबील तीन बार लाम इसके रूट लेटर है सबील यानी रास्ता अल्लाह ही अल्लाह के रास्ते में फी हरफे जर है इसलिए पहले अल्लाह के रास्ते को पहले पढ़ लेंगे अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ही अल्लाह सबील रास्ते फी में अमवातुन अमवात मुर्दा मुर्दे मुर्दे मत कहो ना अमवात यानी मुर्दा बल अहया उन बल्कि हाँ बल्कि अहया उन अहया हयात हैं जिंदा हैं वो जिंदा हैं वलाकिन ला तशुरून वा और लाकिन यानी लेकिन और लेकिन ला नहीं ता यतान का ता के ता तुम ऊना यानी सब शीन आइन रा शऊर रखते नहीं तुम सब शऊर रखते और ला नहीं ता तुम वावले सब पुलू कहो ली लिए मन जो उसके लिए जो या वो कतला कतल पेश और जबर मुजारे का पैसिव है जो कतल किया गया हो फी में सबील रास्ते अल्लाह ही अल्लाह के रास्ते में अमवातुन मुर्दा बल्कि अहयाउन हयात हैं जिंदा हैं वलाकिन और लेकिन ला नहीं ता तुम वानून सब शारा शऊर रखते और नहीं तुम सब कहो उसके लिए जो कत्ल कर दिया गया अल्लाह की राह में मुर्दा बल्कि वो तो जिंदा है और लेकिन तुम सब शऊर नहीं रखते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया जो मेरी राह में कत्ल कर दिए जाएं जो शुहदा हैं उनको क्या मत कहो मुर्दा मत करो कहो क्यों क्योंकि वो जिंदा है लेकिन तुमको नहीं पता वो कैसे जिंदा है तुम बरज़ख की जिंदगी को नहीं जानते तुम शुहदा की जिंदगी को नहीं जानते। देखिये जो भी यहाँ दुनिया से मरता है ना तो उसके लिए एक 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 इंटरमीडिएटरी पीरियड है एक मिडल पीरियड है जिसको आलम बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख वो जगह है जो हम कब्र में उतरने के बाद हमें मिलेगी और उस जगह के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता वो हिडन है गायब की बात है तो उसके पीछे पढ़ना भी नहीं चाहिए वो कैसी होगी कितनी बड़ी होगी वो हमें नहीं पता लेकिन वहां पर सारी रूहें जमा कर दी जाती हैं राइट जो भी मर गए वो वहां पर जमा कर दी जाती हैं। इल्लल इल्ला शुहदा सिवाय शहीदों के और वो शहीद कौन जो अल्लाह की राह में अपनी जाने दी हैं जिन लोगों ने अच्छा वो जो शुहदा हैं जिन्होंने अपनी अल्लाह की राह में जाने दी हैं उनका मामला ये है कि यहाँ शहीद का खून गिरा नहीं है जमीन पर ठीक है और वहां अल्लाह ने उसकी पहले मगफिरत कर दी अगर उसकी नीयत में इखलास है और वो खालिस अल्लाह ही के लिए अपनी जान दे रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके खून गिरने से पहले उसकी मगफिरत फरमा दी और जैसे ही उसके जिस्म से उसकी रूह जुदा हुई है उस रूह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में बुला लिया। अल्लाहु अकबर यानी नो बरज़ख बरज़ख की जिंदगी नहीं है उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में बुला लेते हैं। अब जन्नत में क्या करते हैं उनकी रूह को लेकर हरे कलर के परिंदे होते ग्रीन बर्ड्स होती हैं उनके अंदर उनकी रूह को डाल देते हैं। अब वो जो परिंदे होते हैं पूरी जन्नत में सैर करते फिरते हैं और वो परिंदे रहते कहाँ हैं पता है आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो अर्श है ना उसका जो थ्रोन है उसका जो तख्त है अल्लाह के अर्श के नीचे कंदीले लटक रही हैं शैंडेलियर्स जो हैं उसके अंदर वो पूरी जन्नत को करते हैं सैर वैर करते हैं जब जब तक दिल करता है सैर करते रहते हैं और जब थक जाते हैं तो आकर अपने उस कंदीलों में आकर आराम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत तक यही इनका मामला रहेगा सोचे
अल्लाह की कुर्बत उनको अता कर दी गई। दुनिया से जो जन्नत एक मरतबा पा लेगा ना, तो कभी भी नहीं कहेगा कि या अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में भेज, कि मैं आऊं दुनिया को दोबारा कमा के जन्नत दोबारा आऊं, सिवाय शहीद के। शहीद कहेगा या अल्लाह मुझे बार बार मुझे अपनी राह में मरने की तौफीक अता फरमा और मैं बार बार इसी तरह से ये रिवॉर्ड पाऊं, ये अजर पाऊं। ठीक है, तो शुहदा को अल्लाह ने क्या फरमाया, जो मेरी राह में मरे मर जाए, जो मेरी राह में जान जिसके निकल जाती है उसको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुमको शऊर नहीं है उस बात का कि वो कैसे जिंदा है। ठीक है, चले रिपीट करेंगे इंशाल्लाह आयत नंबर 155। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, इन पांच चीजों पर तुमको सब्र करना है, जो पहले हुक्म दिया ना सब्र करो, नमाज पढ़ो, किन चीजों पर, इन पांच चीजों पर। ये जो आयत है इसको कहा जाता है, ये जो इसमें पांच चीजें बयान की गई है उसको कहा जाता है मसाइब खमसा। मसाइब यानी मुसीबत है, और खमसा मतलब पांच, पांच मुसीबतों का जिसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, मसाइब खमसा व, और लाम आ गया, लाम लामे ताकीद है, और उसके साथ आप देख रहे हैं नून मुशद्दद भी है, लाम और नून मुशद्दद मिलाकर जरूर ब जरूर, नून मुशद्दद यानी नून के ऊपर जिसमें तजदीद है, तो लाम और नून मुशद्दद यानी जरूर ब जरूर, वाव और लाम और नून मुशद्दद जरूर ब जरूर, नून यतान का नून है, जो पहला नून है, जो नून यतान का नून है, नून यानी हम, बा लाम वाव रूट लेटर है इसके, बलू यानी इब्तिला करना, आजमाना। ठीक है, बलू इब्तिला करना, मुब्तिला करना, आजमाना, वा और लाम और नून मुशद्दद जरूर ब जरूर, नून हम बलू इब्तिला करेंगे, आजमाएंगे, टेस्ट करेंगे, कुम तुम सबको, बिशई इन बी से, शई इन चीज से, किसी चीज से, अब वो किसी चीज क्या है अल्लाह आगे खुद बता रहे हैं, और जरूर ब जरूर हम तुमको आजमाएंगे किसी चीज से, मिन अल खौफी, मिन हरफे जर है मिन यानी से, अल खौफ खौफ से, खौफ यानी डर, डर कोई भी चीज का डर, किसी चीज के छूट जाने का, किसी के खो जाने का, जो भी चीज है का डर, खौफ से, वल जूई, जू का मतलब होता है भूख, हंगर। ठीक है, व और अल जू भूख से, व नक्सिन, व और नुक्स, नून काफ स्वाद, नुक्स यानी कमी, नुक्स यानी कमी, किस चीज की कमी, मिनल अमवाल, मिन से अमवाल, माल का प्लूरल है अमवाल, मालों की कमी से, तुम्हारे माल में कमी कर दी जाएगी, मालों के नुक्स में से, वल अनफुसी, व और अल अनफुस जान, नफ्स का प्लूरल है अनफुस, जानों की कमी से, वस्तमरात, तमरात फलों की कमी से, समरतुन का प्लूरल है समरातुन, आतुन आतिन आ गया, फलों की कमी से, वबशिर साबिरीन, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने क्या कहा, वा और बशिर, हुक्म दिया अल्लाह ने, बशिर खुशखबरी दे दो, दे दो पास में, वबशिर खुशखबरी सुना दो, किसको, अस्साबिरीन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो, वा और लाम और नून मुशद्दद जरूर ब जरूर, नून हम बलू आजमाएंगे तुम सबको, बिशई इन बी से, शई इन चीज से, मिन से अल खौफी खौफ से, व और अल जू हंगर यानी के भूख से, व और नुक्स नुक्स यानी कमी से, मिन से अमवाली माल की कमी से, व और अल अनफुसी जानों की कमी से, व समरात और फलों की कमी से, व बशिर स्वाबिरीन, व और बशिर खुशखबरी सुना दो स्वाबिरीना सब्र करने वालों को, और जरूर ब जरूर हम तुमको आजमाएंगे किसी चीज से, खौफ से और भूख से और नुक्स से, कमी से, मालों की और जानों की और फलों की, और खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों को। क्या कहा अल्लाह ने, इन पांच किस्म की मसाइब खमसा तुम पर आती रहेंगी, किसी भी चीज से हम आजमाएंगे, किसी को क्या किया जाएगा कि उसको खौफ दे दिया जाएगा, उसको अपने करियर का खौफ है, उसको अपने आगे आने वाले अपने बच्चों के फ्यूचर का खौफ है, उसको अपने जिंदगी में बहुत सारे खौफ खदशे लगे रहते हैं, तो इंसान को अल्लाह खौफ से आजमाता रहता है कि खौफ की बिना पर बंदा अमल क्या करता है। दूसरा अलजू भूख की, भूख के जरिए से, भूख का मतलब क्या कि अल्लाह माली हालत कोई ठीक नहीं रखेगा, उसके अंदर भूख रहेगी यानी उसको उसकी गिजा पूरी नहीं पड़ रही होगी, तो अल्लाह आजमाएंगे कि भूख में चोरी डाके पर तो नहीं उतर आता है कि भाई मेरा पेट पूरा नहीं भर रहा तो मैं क्या करूं, इसका माल चुरा लूं, उसका माल चुरा लूं, और क्या करूंगा, माल की कमी से भी आजमाऊंगा यानी तुम्हारे मालों में कमी कर दूंगा, तुम्हारी जरूरतें जिंदगी पूरी नहीं होंगी, और तुम्हारी जानों की कमी से, जानों की कमी कभी बीमार कर दूंगा, कभी तुम्हारे अपने को किसी को ले लूंगा, कभी किसी अपने को बीमार डाल दूंगा,
तो क्या करते हो तुम? और समरात, किसी के फल, फल फलों की कमी से। फल का मतलब ये होता है, एक तो ये होता है कि फल यानी कि जो फल है, जो रेगुलर हमारे फल जो हम खाते हैं, और एक फल का मतलब ये होता है किसी भी बात का रिजल्ट। हम कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो आपको क्या फल मिलता है? नहीं ना, मतलब अजर, जो भी अजर है। अभी हम कहते हैं कि बेटा थोड़ा सा पढ़ लो, तुम्हारा फल बड़ा अच्छा आएगा, तो फल अच्छा आता है क्या? क्या आता है? रिजल्ट अच्छा आता है ना। अच्छे से थोड़ी मेहनत कर लो, तुम्हारी खेती के फल अच्छे आएंगे, तो यानी तुम्हारी खेती अच्छी होगी, तो खेती क्या है? उसका फल है। तो एंड रिजल्ट जो होता है, जो एंड प्रोडक्ट होता है किसी भी काम का, जो रिजल्ट है उसको फल भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा, देखिए इंसान बहुत मरतबा ऐसा होता है कि किसी डायरेक्शन में जिद्दोजहद करता है, बहुत सारी प्लानिंग्स करता है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ अजीब ही आ जाता है। ऐसे ही होता है ना, एक बच्चा दिन रात पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, फिर वो कहता है मम्मा मैं कैसे फेल हो गया, मुझे पता ही नहीं, मैंने तो कितनी मेहनत की थी, मैं सारे आंसर लिखे थे, फिर भी मैं फेल हो गया। तो वो जो फल की कमी, क्या हो गया? रिजल्ट में कमी हो गई किसी भी चीज में। एक औरत है, अपने शौहर को 100% दे रही है, वो उसकी हर बात को पूरा कर रही है, उसकी हर फरमाबरदारी कर रही है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा शौहर नाखुश है। अब वो औरत क्या कहेगी? मैं तो हर मुमकिन कोशिश करती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे शौहर को कोई तकलीफ नहीं हो। फिर भी उसी तरह से ऐसा होता है कि औलाद या वालिदैन औलाद के लिए, या औलाद वालिदैन के लिए बहुत मरतबा बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वालिदैन कहते हैं हमने तो इनको सारी हर किस्म की तरबियत दी, लेकिन फिर भी बच्चे कहीं किसी और रास्ते पर जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? एंड रिजल्ट में कमी आ रही है। तो अल्लाह फरमा रहे मैं तुम्हारे एंड रिजल्ट से भी तुमको आजमाऊंगा कि तुम फिर उसके बाद क्या करते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं फलों की कमी, जानों की कमी और माल की कमी से तुमको आजमाता रहूंगा। तो जो इन पांच मामलात में सब्र कर जाए, जिस किसी भी चीज से मैं तुमको आजमाऊं, तो क्या है? और जनरली इंसान को दो ही चीजों के ज्यादा मुश्किल आती है, माल या जान, माल और जान, इस पे ही ज्यादा परेशान होता है, और तो चीजें फिर इतनी अहमियत के हामिल नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया इन पांचों में अगर मैं तुम्हें आजमाऊं, वो चीजें बिटवीन द लाइन, ये बात है कि अगर मैं आजमाऊं और वो आजमाइश में तुम पूरे उतर गए सब्र करके, तो तुम्हें खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? खुशखबरी मतलब जन्नत है तुम्हारे लिए। सब्र का सिला जन्नत के अलावा कुछ भी नहीं, हदीस का मफहूम है, सब्र का सिला जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं। जरूर ब जरूर हम आजमाएंगे तुमको किसी चीज से, खौफ से और भूख से और कमी से, मालों की और जान की और फलों की, और खुशखबरी सुना दो किसको? सब्र करने वालों को। चलिए रिपीट कर लीजिए। हाँ जी, الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون। बहुत ब्यूटीफुल आयत है ये, बहुत प्यारी। الذين वो लोग जो, اذا जब, الذين वो लोग जो, اذا जब اصابتهم, अब ये कौन है? ये साबरीन के बारे में बताया जा रहा है। देखिए आयत नंबर 155 में साबरीन के बाद ला लिखा हुआ है छोटा सा। ला का मतलब है बात अभी खत्म नहीं हुई है, बात अभी जारी है। तो ला के बाद साबरीन के बारे में बताया जा रहा है, साबरीन अल्लज़ीना, साबरीन वो लोग हैं जो, इज़ा जब, असाबत हम मुसीबत, फीमेल वर्ड है इसलिए ताके पर सुकून आ रहा है, असाबत में, असाबत पहुंचती है, असाबा का मतलब होता है पहुंचना, टू रीच, असाबत पहुंचती है हम उनको मुसीबत, उनको ही मुसीबत, साबरीन वो लोग हैं जो, इजा जब असाबत पहुंचती है हम उनको मुसीबत, उनको ही मुसीबत, कालू वावली पोसब कौला कहते हैं, काफ वाउलाम इसके रूट लेटर है, वावली पोसब कौला कहते हैं, इन्ना, इन्ना प्लस ना, इन्ना बेशक, ना हम, बेशक हम, लिल्लाही, ली हर्फे जर है लिए, अल्लाह ही अल्लाह के लिए, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, वा और, इन्ना प्लस ना, इन्ना बेशक, ना हम, इलैही, इला तरफ, ही उसकी तरफ, इला हर्फ जर है, ही अटैच प्रोनाउन है, उसी की तरफ, राजिउना, राजी, राजीम आइन इसके रूट लेटर है, रजा और राजेर फाइल पैटर्न पर है, रुजू करने वाला, ऊना लग गया, रुजू करने वाले हैं, लौटने वाले हैं, साबिरीन वो लोग हैं जो, जब पहुंचती है उनको कोई मुसीबत, वो सब कहते हैं बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। इन्ना लिल्लाही का असल मतलब होता है, हम कहते हैं ना हम अल्लाह के लिए हैं, इसमें अपनाइयत नहीं आती। आप यूं कहा करें
मैं अल्लाह की हूँ, मैं हम अल्लाह के हैं, अपनाइत आती है ना इसमें, मैं अल्लाह की हूँ, मैं मेरा अल्लाह है, और अल्लाह के लिए है तो अलग बात हो जाती है। हम समझते हैं कि हमें अल्लाह के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन जब आप सोच यूं कहें ना, ये बच्चे तो मेरे हैं, तो आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरे बच्चे हैं ना, मैं इनके लिए जान तोड़ मेहनत कर सकती हूँ, राइट, ये मेरा मेरे वालिदैन है ना, ये मेरा भाई है ना, ये मेरी बहन है, मेरा अल्लाह है ना, मेरा है ना, लिए नहीं लगाए आप। इसका असल तर्जुमा है मैं अल्लाह की हूँ, हम अल्लाह के हैं, तो जब आपको पता चलेगा ना हम अल्लाह के, अल्लाह हमारा है, तो आप उसके वो जज्बा अलग होगा, वो सोचना अलग होगा, उसके लिए करना कुछ अलग होगा। तो अल्लाह ने फरमाया साबिरीन वो लोग हैं, जब उनको कोई मुसीबत पड़ती है, कोई मुसीबत दरपेश होती है, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हम अगर किसी की मुसीबत में ये पड़ जाएं, तो पहले ही वो कहेगा कोई मर गया है क्या, क्योंकि हमने इतना ट्रेंड इसके ऊपर वो सेट कर दिया हुआ है कि अगर कोई मरेगा तभी हमारी जबान से ये निकलता है। अल्लाह ने कहा नहीं, सब्र तो ये है, साबिर ये होता है बंदा कि जब भी कोई भी किस्म की मुसीबत पड़े उसको याद आ जाए ये अल्लाह की हूं ना मैं, वो चाहे वो मैं अल्लाह की हूँ, वो मेरा है और अल्लाह हमारा है ना, वो चाहे जब वो हमारा है हम उसके हैं, तो वो जो चाहे जैसे चाहे आजमाए, राइट। जब अल्लाह की तरफ हम अपने आप को मंसूब करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि जब हम अल्लाह के हैं तो वो जैसे चाहे हमको आजमा सकता है, ठीक है, और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं, तो जब हम भी लौटने वाले तो मुसीबतें कहाँ रहने वाली, खत्म हो जाएंगी, हम जब खत्म हो जाने वाले हैं तो मुसीबतों का क्या फिर वो कहते हैं, क्या औकात है कि वो अल्लाह, जब बंदा उठ जाएगा तो मुसीबत ही कहाँ रह जाएगी। तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है, बिल आखिर मुझे जाना तो अपने रब ही की तरफ है। तो इस दुआ के साथ हदीस में एक दुआ और आती है एडिशन के साथ, एंड दैट्स सच अ ब्यूटीफुल दुआ के इना लिल्लाहि व इना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व खल्फ ली खैरम मिनहा। ए अल्लाह, इस मुसीबत के अय्याम में मुझे अजर अता फरमा, और जो तूने मुझसे लिया है या जिस मुसीबत में तूने मुब्तला किया है उससे बेहतर मुझे नेमुल बदल अता फरमा दे। इसी बिना पर उम्मे सलमा डरती थी, नहीं सवाल नहीं करती थी ये दुआ कि मुझे नेमुल बदल अता फरमा दे। उम्मे सलमा के हस्बैंड थे अबू सलमा, अबू सलमा जो थे इतने ज्यादा पायस और इतने ज्यादा लविंग और केयरिंग हस्बैंड थे, वो इतनी मोहब्बत करती थी अपने शोहर से और शोहर भी उनसे, वो पूछा भी करती थी कि मेरे इंतकाल के बाद तुम निकाह कर लेना कर लेना कर लेना, वो कहती थी नहीं मुझे आपसे अच्छा मिल ही नहीं सकता कोई, मुझे आपसे अच्छा मिल ही नहीं सकता, तो डरती थी कि ये दुआ पढ़ू, और उम्मे सलमा से अबू सलमा से अच्छा कौन होगा, अबू सलमा से अच्छा कौन होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या रिवॉर्ड अता किया कि उम्मे सलमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता कर दिए, अल्लाह अकबर, यानी एक दुआ ने कैसे उनकी टर्न कर दी, और अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा होंगी जन्नत में, अल्लाह अकबर, सच अ ब्यूटीफुल रिवॉर्ड। तो आप किसी भी दुआ को ना अंडर एस्टिमेट मत करें, बहुत पावरफुल होती है, बहुत ताकत रखती हैं ये दुआएं, दुआएं इसीलिए मोमिन का क्या है, हथियार है, ठीक है, जब आपके पास कुछ ना हो आपके पास दुआ है, तो बस इसी के जरिए से सारा कुछ आप टर्न कर सकते हैं, तकदीर बदल जाती है, तकदीर आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं इस दुआ के जरिए से। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, साबिरीन वो लोग हैं जब उनको कोई मुसीबत पड़ती है तो वो क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाही, बेशक हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ हमको लौट कर जाना है, ठीक है। चले इंशाल्लाह हम यहीं पर वाइंड अप कर लेते हैं, किसने रिपीट करना है, रिपीट कर जो रह गया है, चौथा पकड़ लीजिए, चले लास्ट आया टुडे फॉर टुडेस क्लास, उलाइक अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइक हुमुल मुहतदून, व उलाइक वही लोग कौन, यही साबिरीन, यही जो सब्र करते हैं तो कहते हैं कि हम अल्लाह के अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, उलाई का वही लोग, अलैहिम अल्लाह घर पे जर गए, हिम उन पर, उन सब पर सलावात, उन सलावात हैं, सलावात यानी खुशनूदी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनूदी, उसकी रजा, सलावात हैं, बरकतें हैं, मिन रब्बी हिम मिन से रब रब हिम उनके रब से, उनके रब की तरफ से, व और रहमत उन रहमत है, व और उलाई का वही लोग, हम वही अलमुतदून हिदायत पाने वाले हैं, मीम वाले हदया हिदायत उन आ गया,
वाले, हिदायत पाने वाले हैं, यही लोग, उन पर सलावात है, खुशनूदी है उनके रब से और रहमत है, और यही लोग वही हिदायत पाने वाले हैं। उलाई का, यही लोग अल्लाह पर, हिम उन पर सलावात उन ब्लेसिंग्स है, यानी कि खुशनूदी है, मिन से रब रब हिम उनके रब से, व और रहमत उन रहमत है, व और उलाई का वही लोग हम वही अलमुतदूना हिदायत पाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो सब्र कर जाता है और अपने आप को अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है, लौट आता है अल्लाह की तरफ और सब्र और नमाज से मदद चाहता है, अल्लाह ने फरमाया यही वाकईतन साबिरीन है, और ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह की रजा भी है, अल्लाह उन पर सलावात भेजता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उन पर रहमतें भेजता है, जिसके हम हर लम्हा मोहताज हैं, अल्लाह की रहमत के हम हर लम्हा मोहताज हैं, अल्लाह की रहमत भी है उसके लिए, उसकी सलावात भी है, और ऐसे ही लोग हिदायत याफ्ता हैं, अल्लाह ने इन्हीं को हिदायत अता की है। रिपीट कर लीजिए। हाँ, इन आयात है, सॉरी, इन आयात है हिदायत याफ्ता, माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। चलें दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इर्ज़ुक़नी यतफक्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक, वल फ़हमा लहू वल मारिफ़ता बिमआनिही, वन नज़र फ़ी अजाइबिही, والعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير اللهم انس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته اناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ربنا تقبل منا
انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم امين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا for your patience for your sabr.